अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज के वीडियो में कतर से जो सबसे पहली खबर आ रही है उन सभी भाइयों को लेकर जो कि कतर में रहते हो और किसी तरह का इवेंट्स वगैरह में आप लोग जाते हो, क्योंकि साथियों कतर में ऑनलाइन बुकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। जितने भी इवेंट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं ऑनलाइन वहाँ पे बुकिंग होती है। तो QNCC की तरफ से सभी को वार्न किया गया है कि वहाँ पे फेक वाइल कुफरी सरीन अब्देल वहाब कॉन्सर्ट, इन सभी का दोस्तों कॉन्सर्ट जो इवेंट्स जो है वो फर्जी तौर पे दोस्तों कतर में जो है वो चलाया जा रहा है। तो कतर नेशनल कॉन्वेंशन सेंटर की तरफ से सभी को वार्निंग इशू किया गया है ऑफिशियल इंस्टाग्राम से, यानी दोस्तों उनका जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है उनकी तरफ से, दोस्तों उनका जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल आईडी है उनकी तरफ से वहाँ पे ये न्यूज़ को वहाँ पे सर्कुलेट किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आने वाला वहाँ पे कंसर्ट है जिसका नाम वाइल कुफरी है और सरीन अब्दुल वहाब जो कि कतर में दोस्तों चल रहा है ये बिल्कुल फेक है। साथियों आपको बता दूँ ये जो न्यूज़ चलाया जा रहा है, कंसर्ट जो चलाया जा रहा है वो 27 अगस्त 2023 से कतर नेशनल कॉन्वेंशन सेंटर में चलाया जा रहा है। तो जो भी भाई लोग आप लोग कतर में किसी तरह का टिकट वगैरह को लेते हो तो थोड़ी सी आप जानकारियाँ प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा का दोस्तों फ्रॉड वगैरह कतर में अभी चल रहा है। तो आप लोग को इसे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह से आपको बच के रहना है, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों अलवकरा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, अलवकरा म्यूनसिपैलिटी स्टार्ट प्रोवाइडिंग पेस्ट कंट्रोल सर्विस। साथ ही यदि आप कतर में अभी मौजूद हो तो यदि अलवकरा एरिया में यदि आप रहते हो तो अलवकरा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से मिनिस्टर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अलवकरा एरिया में वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल सर्विस वहाँ पे लोगों को घर घर जाके दिया जा रहा है, या फिर आप उसमें कॉल भी कर सकते हो 184 नंबर पर, यह टोल फ्री नंबर है, या फिर ऑन जो एप्लीकेशन है उसके जरिए भी दोस्तों वहाँ पर आप करवा सकते हो। दोस्तों ये जो पेस्ट सर्विस होता है साथ में यदि बहुत सारे जगहों पे देखा होगा कि गंदगी वगैरह फैल जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों इंडियम जिसे कहते हैं उस तरह से दोस्तों वहाँ पे छिड़काव किया जाता है पेस्ट कंट्रोल के जरिए, वही दोस्तों मिनिस्टर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से करवाया जा रहा है। अगली खबर की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों है मून मार्स एंड मरकरी इन द ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ऑन द फ्राइडे नाइट इन कतर स्काई। साथियों यदि आप कतर में रहते हो यदि आप तीन ग्रहों को एक साथ देखना चाहते हो यानी दोस्तों पृथ्वी को, मार्स को और मरकरी को, तो दोस्तों जुमा के दिन दोस्तों उसे आप देख सकते हो, क्योंकि कतर के मिनिस्ट्री की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है कि जुमा के दिन स्काई में आसमान में रात में आप 7:15 बजे आप तीनों ग्रहों को एक साथ वहाँ पे आप देख पाओगे। दोस्तों ये काफ़ी सालों बाद ये ऐसा होता है, तो यदि आप लोग देखना चाहते हो दोस्तों ये आप नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, उसके लिए आपको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो भी भाई लोग आप लोग देखना चाहते हो मरकरी को, मार्स को और चांद को एक साथ देखना चाहते हो आसमान में तो जाकर आप देख सकते हो। अगली खबर की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों 251 सस्पेक्ट्स वेयर टेकन इनटू कस्टडी फॉर कमिटिंग वायलेशन सम रिलेटेड पब्लिक मोरल एंड अदर वायलेशन देयर लाइसेंस। साथियों लगभग वहां पे 251 सस्पेक्ट को वहां पे कस्टडी में लिया गया है जो कि एक तरह का वायलेशन को ये फैला रहे थे, जिसमें पब्लिक मोरल होता है और वायलेशन होता है लाइसेंस को लेकर उन सभी मुद्दों के बारे में। तो फिलहाल सभी को अरेस्ट कर लिया गया, सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जाहिन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।